एक बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपने कमरे में देर रात तक एक छोटे से तेल के दिए के प्रकाश से लिखे तो जैसे उन्होंने दीपक को बुझा दिया चंद्रमा की रोशनी सारे कमरे में गुरुदेव मंत्र मुक्त होकर नाचने बाद में उन्होंने किसी से कहा इसी प्रकार दीपक की रोशनी चंद्रमा के प्रकाश का मार्ग रोक इसी प्रकार जब हम लोग गलत संगत में पढ़कर गलत कामों में उलझ जाते हैं तो भगवान के आने का मार्ग स्वयं ही रोक देते हैं लेकिन जैसे ही हम बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलने लगते हैं तो स्वयं भगवान हमारी सहायता करने के लिए प्रकट हो जाते हैं बिल्कुल गुना मध्य प्रदेश के हरीश धाकड़ की तरह जिस पर माता महालक्ष्मी की ऐसी अद्भुत कृपा हुई जिसे देखकर आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मन का विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता। बिजनेसमैन हरीश धाकड़ बारन राजस्थान की सरोज से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उस दिन वो सरोज से मिलने के लिए बारन पहुंचने वाला था और सरोज भी हरीश से मिलने के लिए उत्सुक थी। क्या तुम ये ड्रेस पहनकर हरीश से मिलने जा रही हो सरोज? क्यों, ये ड्रेस अच्छा नहीं है? तुम तो जानती हो हरीश कितना बड़ा आदमी है। जानती हूँ मासा, लेकिन हरीश ने मुझे पसंद किया है, मेरे कपड़ों को नहीं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। सरोज, मैंने दुनिया देखी है, गरीबी अच्छे अच्छे भरोसों को तोड़ डालती है और फिर इन अमीरों का कोई जमीर नहीं होता। जब आसमान के भगवान से धरती के इंसान का रिश्ता हो सकता है तो फिर एक अमीर का गरीब से क्यों नहीं? और फिर मेरा हरीश ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर उसके घर वाले? जल्दी से ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ। अब तो ठीक है ना मासा? हाय हाय, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल ऊंचे खानदान की लग रही है। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है ना? चलती हूँ मासा। संभल के जाना। हाँ जी। मासा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तो तुम ही कुछ ठीक कर दो ना। तुम्हारे भरोसे रही ना तो मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। आज तुम्हारी उम्र के लड़के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और तुम आज भी हमसे खर्चे मांगते हो। अमीरों का कोई जमीर नहीं होता। सरोज, सरोज प्लीज रुको। सरोज कहां भाग रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम। हुआ क्या? प्लीज सुनो, मुझे लगता है कि जो बात सोची वो गलत है। हाँ, आज तक तुम्हारे बारे में जो भी सोचा बिल्कुल गलत था। हुआ क्या यार? आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू सो मच। आप इंसान नहीं, देवता हैं। कोई बात नहीं, आप इसका ख्याल रखिएगा। बाय। हरीश, आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत गलत सोच रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं। अरे तुमने तो कोई गलती ही नहीं की यार। इनफैक्ट मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है कि दुनिया में कोई तो है जो मेरी इतनी फिक्र करता है। हाँ, तुमने
काका जी से बात की हमारे बारे में? वो मुझे स्वीकार तो कर लेंगे ना? देखो, अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, अगर स्वास्थ्य दीदी बात करेंगी, उनकी बात नहीं टाल सकते वो। और अगर उनकी बात भी काका जी ने नहीं मानी तो मैं सबको छोड़ दूंगा। हाँ सरोज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया था। नहीं हरीश, शादी से पहले हरीश, ये तो बहुत कीमती और बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल नहीं, इससे अब जो पहनने वाला है उससे ज्यादा खूबसूरत बिल्कुल नहीं। हरीश, इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे बाबा समझा करो, अरे रिश्वत दे रहा है तुम्हें, पटा रहा है, दिल का मामला है। क्यों हरीश? अब दीदी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। कौन है वो खुशनसीब जिसने हमारे साले साहब को पागल कर दिया है? देखिए, अगर आप बताएंगे नहीं तो काका जी से बात कौन करेगा? फोटो, चलो फोटो दिखाओ। दिखा दूं? हाँ? हाँ? काका जी से बात कर ही लेते। ये हुई ना फैसला। काका साहब ने एक सिरे से इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया, परंतु घर के अन्य सभी लोगों की रजामंदी देखते हुए उन्होंने माता महालक्ष्मी से मन ही मन प्रश्न किया और माता की स्वीकृति पाकर उन्होंने कहा, बहू। जी काका जी। हरीश से नंबर लो और उनसे कहो कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। और उनसे ये भी कहो कि हमारे कुल की परंपरा के अनुसार हम दीपावली के दिन शगुन करेंगे। सबके मन के मन में है विश्वास तो बंदे भक्ति में है शक्ति। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, इतनी मायूसी घर में क्या हुआ है? भाभी प्लीज बताइए क्या हुआ है। मन में है विश्वास। हरीश जी, दीपावली पूजन का समय हो गया है, सभी को भीतर लेकर चलो। जी काका जी। माता मेरी भक्ति का प्रतिफल इसी प्रकार देते रहना। आज मेरे घर में जो खुशियां हैं वो आप ही की कृपा से तो है।
आज माता रानी की कृपा से हमारे घर में खुशी का अवसर आया है। माता स्वयं हमारी कुलदेवी है, लेकिन आज साक्षात रूप में हमारे परिवार में शामिल हो रही है। माता रानी के सामने हम हरीश और सरोज के रिश्ते की घोषणा करते हैं। सुहासिनी जी, काका जी, बहू जी, काका जी, सरोज बेटी को शगुन दो। जी काका जी। जाओ बेटा। आओ सरोज। बेटी, आशीर्वाद और उपहार के रूप में हम तुम्हें लक्ष्मी भवन नई बस्ती की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। हरीश बेटा, शिकार अपनी लक्ष्मी को हमारी कुलदेवी दहानों की महालक्ष्मी माता के दर्शन करा रहा हूं। चिकाका जी, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। उन्हीं की कृपा से तो ये रंग राजा बना है। और हाँ बेटा, हमारे प्रॉफिट का 1% भुगतान माता के चरणों में भेंट कर देना। प्रॉफिट का 1%? ठाकुर साहब, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे समधी जी, ये परंपरा आपके दामाद ने शुरू की है। इसने हमारी कुलदेवी को हमारे व्यापार का पार्टनर बनाया है। हर साल का जो प्रॉफिट है उसका 1% भुगतान हम माता के चरणों में भेंट कर देते हैं। ठाकुर साहब, हम बहुत ही साधारण लोग हैं, हम आपकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो माता रानी की कृपा है कि हमारी बेटी रानी बनकर आपके परिवार में आ रही है। जब छोटे और नासमझ होकर हमारे बच्चों ने कुछ नहीं देखा, तो हम समझदार होकर ऐसी दखियानूसी बातों पर क्यों भरोसा करें। इनको माता का दर्शन करके आने दो, शादी की तारीख हम बाद में फिक्स करते हैं। माता रानी, आप हमारे घर की खुशहाली और स्वास्थ्य बनाए रखिएगा। बाबा साहब, ये आपके लिए। अब तुम खुश तो हो ना बेटी? अरे मैं भी बहुत खुश हूँ मासा। बहनों, ईसा ने क्या शर्ट भेजी है मेरे लिए, मेरे लिए है ना? यही सही मौका था मासा, सरोज से बात कर लेनी चाहिए थी कि अगर बहनोई साहब बारन में एक कोल्ड स्टोरेज खोल लें तो मैं उसे संभाल लूंगा। नरेंद्र, तुम्हें पता है कि हमारे यहां बहन और बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पिया जाता, और तुम हो कि उनके पैसों पे सपने देख रहे हो। अब तो गलत क्या कर रहा है, सपने ही तो देख रहा है ना। लेकिन बेटा जल्दी ना कर, देख सरोज की शादी होने से पहले उनसे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तुम ठीक कह रही हो मासा, सब्र का फल मीठा होता है।
आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं है? जब से मैं लौट कर आया हूँ सबके मुंह लटके हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, इतनी मायूसी घर में क्या हुआ है? भाभी भाभी प्लीज बताइए क्या हुआ है? काका जी आप बताइए, भाभी रो रही है, हुआ क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया भैया, हम बर्बाद हो। सारी बात सुनने के बाद हरीश को पता चला कि उसके जाने के बाद एक दिन तीनों कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। जिन किसानों का अनाज उसमें रखा था वो अपने हर्जाने की मांग को लेकर मारपीट पर उतर आए। हरीश बहुत परेशान हो गया। तब काका साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हमने फैसला कर लिया है बेटा, ये कोठी और कोल्ड स्टोरेज की जो हमारी जमीन है उसे गिरवी रखकर हर एक किसान का हिसाब चुकता कर देंगे बेटा। काका जी ये आप क्या कह रहे हैं? काका जी किसानों का हर्जाना तो इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम से भी चुकता किया जा सकता है। भैया इंश्योरेंस के क्लेम में बहुत वक्त लगता है, तब तक तो पता नहीं कितने किसानों के घर उजड़ जाएंगे। काका जी ठीक कह रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी किसान आत्महत्या करे। किसानों का कर्ज चुकता करने के लिए सचमुच धाकड़ परिवार ने अपनी कोठी और कोल्ड स्टोरेज की जमीन गिरवी रख दी और किसानों का एक एक पैसा चुकता करके उनका सारा परिवार लक्ष्मी भवन नई बस्ती के उसी घर में रहने चला गया जो दिवाली की रात काकाजी ने सरोज को उपहार में दिया था। इस बात की खबर जब सरोज के घर वालों को लगी तो मासा मैं अभी और इसी वक्त गुना जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा इस वक्त वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? क्यों ठीक नहीं है? देखो अब वो हमारे समधी हैं, उनकी परेशानी के वक्त अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? अरे बाबा साहब, जिनका अपना ही कोई ठिकाना नहीं रहा वो हमारे समधी कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब हम सिर्फ उनके सुख में शामिल थे? अरे मैं उनके नहीं तुम्हारे सुख की बात कर रहा हूँ बहना। देखो सुख और दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, वो जिंदगी के दो पहलू हैं, लेकिन हर रात के बाद में एक सुबह जरूर आती है। ये सब किताबी बातें होती हैं, ये बड़े लोग रंगे सियार होते हैं जो शेर की खाल ओढ़कर दुनिया को धोखा देते हैं। इसका मतलब अपने आप को दिवालिया घोषित करना इन बड़े लोगों का बड़प्पन है, समझी? हाँ मासा, और ये हरीश की फैमिली वाले तो बिल्कुल गए गुजरे निकले। दिवाली की रात लक्ष्मी भवन काका जी ने सबके सामने बहना को उपहार में दिया, और नहीं तो क्या, और आज उनका पूरा परिवार उसी में जाके रह रहे। जो प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है उसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार आपसे पूछना तो चाहिए था ना। मन में है विश्वास। निकलो यहां से। मन में है विश्वास। कई दिन बीत गए, सरोज काफी परेशान रहने लगी। उधर एक दिन सुहासिनी दीदी ने सरोज की माँ से बात करने के बाद फोन रखते हुए हरीश से कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ सरोज के घर वालों की बातचीत का अंदाज कुछ बदल गया है। हमारे परिवार पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, कम से कम उन लोगों को एक बार तो यहाँ आना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ होगा दीदी, ये भी तो हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि उनके यहाँ आने से हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। हरीश, अपनों के आने से परेशानियां कम हो जाती हैं, हरीश दुख बढ़ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमारी परेशानियों से किनारा कर रहे हो? नहीं दीदी, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। और लेकिन हेलो हम हरीश बोल रहे हैं, सरोज से बात कर सकते हैं? बहनोई सा, एक मिनट। हाँ अब बोलिए। सरोज से बात करनी थी,
वो तो बाहर गई है बहनोई साहब, आप बाद में फोन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। आजा बेटा खाना खा ले। बहनोई साहब से बात ना करके तुमने बिल्कुल ठीक किया। उन लोगों ने पैसों की चमक दिखाकर हमसे झूठ बोला है। हाँ, एक दो बार ऐसी अवॉइड करोगी तो जनाब रास्ते पे आ जाएंगे। रास्ता सिर्फ एक ही है, लक्ष्मी भवन नई बस्ती की प्रॉपर्टी का तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा लेना। अब लो ना खाओ। हेलो मासा, प्रणाम, हम हरीश बोल रहे हैं। हरीश बेटा, कैसे हो तुम? बस मासा, हम ठीक हैं। कितने दिन हुए तुम्हें देखा ही नहीं है। घर में सब ठीक तो है ना? एक काम करो, तुम एक दिन आ जाओ यहाँ पर। ठीक है मासा, आप जैसा कहें। सरोज भी तुमसे बातें करना चाहती है। ठीक है, हम आज ही आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। प्रणाम मासा। अरे दामाद सा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सरोज नजर नहीं आ रही। सरोज? वो तो बाबा साहब के साथ हमारे एक रिश्तेदार के घर गई है ना मासा? हाँ। अच्छा, आपने पहले बोल दिया होता तो मैं 2-3 दिन के बाद आ जाता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम भी तो आपको कितना याद कर रहे थे। और फिर आपसे कुछ जरूरी बातें भी तो करनी है, आइए बैठिए ना। नहीं नहीं मासा, बोलिए ना, क्या हुआ? दरअसल हम ये चाह रहे थे कि काका जी ने सरोज के नाम जो प्रॉपर्टी की है, शादी से पहले क्यों ना उसकी पक्की रजिस्ट्री करवा ही ली जाए। मासा आप क्या बात कर रही हैं? आपको पता है ना हमारा परिवार किन हालातों से गुजर रहा है। अरे हम अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहे हैं तुम्हें। मान लो कल को काका जी को लक्ष्मी भवन नई बस्ती वाली प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी तो हमारी बेटी रहेगी कहाँ? हाँ? उसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद सरोज की जिम्मेदारी मेरी है। लो कर लो बात। नहीं हरीश, शादी से पहले हमें तुम्हारी जिम्मेदारी का सबूत चाहिए। तुम्हारी जॉइंट फैमिली, और फिर कल किसने देखा है? आप लोग किस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या मैं सरोज से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो आपकी होने वाली पत्नी है, उससे मिलना आपका हक बनता है। पर मुलाकात प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद ही होगी। हाँ, आप लोगों की लालच इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब मैं भी आप लोगों से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक मेरे पास प्रॉपर्टी के कागज नहीं आ जाते। प्रणाम। खुश रहो। मासा मुंह मीठा करो। हेलो। हेलो हरीश। सरोज। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत शर्म आ रही है जिस तरह मेरे परिवार वाले बिहेव कर रहे हैं। देखो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा साथ पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। और हाँ, मासा से तुम कह देना कि अगले महीने तुम्हारे जन्मदिन के दिन मैं वो प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर आऊंगा। हरीश ने पहले मासा फिर सरोज से भी लक्ष्मी भवन नई बस्ती की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आने का वादा तो कर दिया, पर परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि उनके परिवार को लक्ष्मी भवन नई बस्ती की प्रॉपर्टी भी गिरवी रखनी पड़ी और वो सब एक किराए के मकान में रहने लगे। सरोज की बर्थडे के दिन जब हरीश 12 पहुंचा तो सरोज। अरे दामाद साहब, हम जानते थे आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगे,
आखिर आपकी रगों में खानदानी खून जो बह रहा है। अरे बहनोई सा, इतनी बारिश में भी आ गए, पेपर्स तो लाया ना। सरोज कहाँ है? बस समझ लीजिए कि आपके और उसके बीच बस उस पेपर की दूरी है। मासम, आपसे माफी मांगते हैं, अपना किया हुआ वादा हम पूरा नहीं कर सके। और हमसे वादा पूरा करने की उम्मीद देकर आए हैं आप? देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, हमें एक बार सरोज से मिलने दीजिए। नहीं नहीं, आप सरोज से नहीं मिल सकते। जा सकते हैं आप, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत कीजिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बस आप, सुना नहीं तुमने नरेंद्र ने क्या कहा? इससे पहले कि हम कुछ और करें, निकल जाओ यहाँ से। देखिए प्लीज, निकल जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, आना जाओ। देखिए, एक बार तुम अंदर जाओ, यहाँ से मिले, आना जाओ, चलो चले जाओ। एक बार सरोज से मिले दीजिए प्लीज। आएंगे, हम जागा रहे हैं, कहाँ है सरोज? बहनोई साहब, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी बहना से आपकी। मन में सरोज के घर से निकलने के बाद हरीश ने सरोज से बात करने की काफी कोशिश की, पर किसी भी तरह उसकी बात सरोज से न हो सकी। एक रात जब सरोज से मिलने का फैसला करके हरीश फिर सरोज के घर पहुंचा तो मासा। हाँ बोलो। नरेंद्र बाबू, एक बार सरोज से मिलने दीजिए प्लीज। देखो, अगर दोबारा तुमने बहना का नाम अपनी जुबान से लिया ना, तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि तुम अपना नाम लेने काबिल नहीं रहोगे, समझे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? एक बार ही 100 बार नाम लूंगा उसका। अच्छा, सिर्फ प्यार नहीं करते हैं उसको, मंगेतर है वो हमारी। अरे भूल जाओ, अब वो तुम्हारी मंगेतर वंगेतर नहीं है, समझे? और ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना ऐसा लगा कि तुम मरोगे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए? हटो। अरे रुको, शांत रहो। देखो हरीश, हम इज्जतदार लोग हैं, अब सरोज से तुम्हारा रिश्ता तो टूट ही चुका है। हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से सरोज जिंदगी पर कुंवारी बैठी रहे। मासा, एक बार हमें सरोज से मिलने दीजिए, उसके बाद आप जो कुछ कहेंगे हमें मंजूर है। पक्का वादा? हाँ। अरे अगर सरोज हमें कहती है कि उसे हमसे आज के बाद कभी नहीं मिलना, हम आपके द्वार कभी नहीं आएंगे। नरेंद्र जाओ, इसे ले जाकर मिलवा दो सरोज से। मासा, ये बहना से नहीं मिल सकता। नरेंद्र, इस रोज रोज के झमेले को हम हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। जाओ, ले जाओ इसे, जाओ मिल लो। ठीक है, चलो। आप हमें बताएंगे, हम जागा रहे हैं, कहाँ है सरोज? बहनोई साहब, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी बहना से आपकी। हाँ बस यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। चलो। हाँ बहनोई साहब, हाँ बहना से मिलवाता हूँ, चलो। यहाँ? हाँ इधर।
है? सरोजकार सरोज नरेंद्र और मासा ने तुम्हें कितना समझाया लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब शायद तुम बरान की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखोगे। हरीश आखिर तुमने मुझे लक्ष्मी भवन नई बस्ती की प्रॉपर्टी नहीं दी ना? मैंने अपने लिए पहले वाले हरीश जैसा एक नया दोस्त ढूंढ लिया है। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। अब ये इस ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। चलो निकलो यहां से। ये तो मुंबई का टिकट है। आपको कैसे पता कि मुझे मुंबई जाना है? मन में किस चीज की इतनी कठोर परीक्षा ले रही हो तुम? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुम्हें वहीं से मिलेगा जहां से तुम्हें प्रेरणा और शक्ति मिलती है। जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण। मैं यहाँ कैसे आया? ये माता महालक्ष्मी का पुराना मंदिर है।
तुम्हें जंगल में बेहोश पड़ा देखकर हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। आप कौन है? बहुत सारे लोग मुझे नारद कहते हैं। वो सारे संसार का भला चाहने वाला नारद मुनि नहीं, केवल नारद। ये इस मंदिर के पुजारी के वस्त्र हैं, तुम पहन लो क्योंकि तुम्हारे वस्त्र तो खराब हो गए हैं। ये लो, इसे पहन लो बेटा। और वैसे भी माता महालक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। भैया मुझे स्टेशन तक पहुंचा दिए किसी तरह। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। ये लो। दुनिया का ये क्या? खुद ही देख लो। सबके मन के मन में है विश्वास तो बंदे भक्ति में है शक्ति मन में है विश्वास मन में है विश्वास। ये तो मुंबई बैठी थी। आपको कैसे पता कि मुझे मुंबई चाहिए? ये भी सब माता महालक्ष्मी का ही चमत्कार है। मन में है विश्वास। अगले दिन माता के नाम को जपता हरीश सीधा माता महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए गया। नरेंद्र और मासा ने तुम्हें कितना समझाया लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुम्हें वहीं से मिलेगा जहां से तुम्हें प्रेरणा और शक्ति मिलती है। हरीश कहाँ हो बेटा? काका जी माता रानी के दरबार में। माता रानी ने साक्षात दर्शन देकर मुझे अपने दरबार बुलाया। ये तुम्हारी तपस्या का फल है बेटा। क्या हुआ काका जी? अरे बेटा माता ने हमारी लाज रख ली है, हमारी क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने स्वीकार कर ली है। हाँ हम कल ही अपनी सारी प्रॉपर्टी छुड़वा रहे हैं। अच्छा सुनो हरीश, हमारी तरफ से माता के चरणों में वंदन कर लेना बेटा। जी। आपने सच कहा था मां, यहां आते ही मुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप स्वार्थ और बुराई में डूबे हुए लोगों से मेरी रक्षा करना चाहती थी। आपकी जय हो मां, आपकी जय हो। ओम महालक्ष्मी देवाय नमः। माता महालक्ष्मी की कृपा से हरीश और उसके परिवार ने वो सब कुछ पा लिया जो बुरे और स्वार्थी लोगों के पास आने से खो गया था। इस बीच माता की ही कृपा से हरीश की सूनी जिंदगी में सच्चा प्यार करने वाली लीना भी आ गई। तभी तो आज दिवाली की रात हरीश लीना के साथ माता महालक्ष्मी को धन्यवाद दे रहा है। माता महालक्ष्मी जी ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया और मेरे परिवार की लाज बचा ली।
बारा के जंगलों में एक छोटी सी बच्ची का रूप धारण कर माता आई। जब से मैं माता के प्रेरणा पथ पर चल रहा हूँ, जय माता की। तो ये थी हरीश धाकड़ के विश्वास की कहानी। लेकिन मुझे फिर भी इंतजार रहेगा आपके विश्वास की कहानी का। अगर आपके साथ या आपके परिवार के साथ या अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ भगवान की या किसी गुरु की या परम शक्ति की कृपा हुई हो तो हमें अवश्य लिखकर भेजिए। हम उस घटना को इस प्रोग्राम में दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में धर्म और जाति का कोई भी बंधन नहीं है। हमारा पता है, मन में है विश्वास, पोस्ट बॉक्स नंबर 11989, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। या फिर लॉग ऑन कीजिए www.setindia.com पर। ना।